इसरो ने जानकारी दी है कि उसका सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी पहली कक्षा में बदलाव करेगा। इसरो रविवार को सुबह करीब 11:45 पर पहली अर्थबाउंड फायरिंग करेगा। इससे पहले शनिवार को इसरो ने PSLV-C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई। ये मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर तेजी से सूरज की दिशा में उड़ान भरेगा। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया है। अर्थ बाउंड मैनवर्स की मदद से ये फायरिंग की जाएगी। इससे आदित्य L1 अपनी पहली कक्षा बदलकर अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में 16 दिन बिताएगा। इस दौरान 5 बार इसकी कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायरिंग की जाएगी। 110 दिन की यात्रा के बाद आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर पहुंचेगा। लैग्रेंजियन 1 पॉइंट में पहुंचने के बाद आदित्य L1 में एक और मैनूवर किया जाएगा, जिसकी मदद से आदित्य L1 को L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यहीं से आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट सूरज की दिशा में पृथ्वी से 15,00,000 किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 के साथ 7 पैलोड भेजे गए हैं जो सूरज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनमें से 4 पैलोड सूरज की रोशनी का अध्ययन करेंगे, वहीं बाकी 3 सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 चंद्रयान 3 के मुकाबले करीब 4 गुना दूरी तय करेगा, लेकिन ये पिघलेगा नहीं, न ही सूर्य की गर्मी इसे नुकसान पहुंचा पाएगी। इसरो के अनुसार आदित्य L1 को सूर्य के ताप से बचाने के लिए कई परतों की ढाल लगाई गई है। ये यान को अनुकूल तापमान बनाने में मदद करेगी। सूर्य की ऊपरी सतह कोरोना करीब 5,00,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म मानी जाती है। आदित्य भले ही इससे करीब 14.85 करोड़ किलोमीटर दूर L1 बिंदु पर होगा, लेकिन इसे सूर्य से आई गर्मी और विकिरणों का खतरा बना रहेगा। LL1 के साथ यान में एक महीन और अच्छी परावर्तन शक्ति वाले पदार्थ एल्यूमिनाइज्ड माइलर की कोटिंग है। माइलर एक तरह की प्लास्टिक है जिसे एल्यूमिनियम की भाप से परत लगाई जाती है। आदित्य में अन्य सुरक्षा परतें भी हैं। मिशन के उपकरणों को भी MLI किया गया है। MLI से यान के विभिन्न हिस्से सुनहरे नजर आ रहे हैं। ये सुनहरी परत सूर्य की किरणों को परावर्तित करके आदित्य की रक्षा करेगी। आदित्य L1 मिशन के शुरुआती चरण को आकार देने वाले इसरो के पूर्व प्रमुख UR राव को भी शनिवार को याद किया गया। भारत के उपग्रह कार्यक्रम के पितामह राव ने आदित्य L1 मिशन को बेहद गहनता से तैयार किया। इसके उद्देश्यों मानकों को उन्होंने तय किया ताकि इसके उद्देश्यों को अर्थपूर्ण व आधुनिक समय के अनुकूल बना सके। सूर्य के लिए देश का पहला मिशन उन्हीं की वजह से संभव हो सका। बता दें कि इससे पहले इसरो ने सफलतापूर्वक चांद की सतह पर चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को उतार कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का अमेरिका, रूस और चीन के बाद 4था देश बन चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।